क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11. द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज s1. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज द सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड nth टर्म. ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? मेरे को गिवन है कि sn क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर. ठीक है, तो मेरे से फर्स्ट टर्म यानी कि क्या, इसने क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा? s1. सो फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू s1. तो मैं इसमें n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4 माइनस 1, सो दैट इज 3. ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? ही इज आस्किंग सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज s2. तो मैं n की जगह 2 पुट कर दूंगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 8 माइनस 4 4 आ गया. ठीक है, देन ही इज आस्किंग व्हाट इज द सेकंड टर्म. नाउ एक चीज बताओ, s2 क्या होगा? s2 विल बी a1 प्लस a2 होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. और फर्स्ट टर्म अभी अभी मैंने निकाला है 3 है, तो मैं यहां से बोलूंगा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस a2. तो यहां से a2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 3 दैट इज 1. तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई. अब इसने पूछा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड nth टर्म. अब देखो, मेरे को a2 पता है, मेरे को a1 फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं? तो कॉमन डिफरेंस d विल बी a2 माइनस a1. वो क्या आएगा? a2 क्या था? 1 माइनस ये क्या है? 3. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास? माइनस 2. ठीक है, अब इसने मेरे से क्या पूछा? थर्ड टर्म टेंथ टर्म एंड nth टर्म. अब निकाल लो a3 क्या होगा? a प्लस 2d. तो a क्या है? 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2. तो ये क्या आ गया? 3 माइनस 4 माइनस 1. a10 क्या होगा? a प्लस 9d. और a क्या गिवन है हमारे पास? 3. 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2. तो ये आ गया माइनस 18 प्लस 3 माइनस 15. ठीक है, अब nth टर्म an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d. डी की वैल्यू क्या है? माइनस 2. तो ये मेरे पास क्या है? 3 माइनस 2n प्लस 2. तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? 5 माइनस 2n के इक्वल आ गया. तो मेरे को ये an निकालना था, a10 निकालना था, a3 निकालना था, s2 निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना था, ठीक है, और सेकंड टर्म निकालना था, दैट इज a2. ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई.